कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन की पहल पर महानगर के 22 स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना वायरस जांच शिविर लगाया गया। इसके अलावा 5 मोबाइल वैन के माध्यम से भी कोरोना वायरस की जांच की गई, जिसके संबंध में एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम के लिए जाँच शिविर लगाकर लोगों का निःशुल्क कोरोना की जाँच कराई जा रही है, जिससे संक्रमण को रोका जा सके। एसडीएम सदर ने बताया कि सितंबर माह में 2.5 लाख लोगों का कोरोना जांच कराया गया है, जिसमें महानगर में 80,000 लोग शामिल हैं। एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने लोगों को आगाह करते हुए कहा कि कोरोना जांच केंद्रों पर जाकर निःशुल्क जांच कराएं तथा वैश्विक महामारी से बचें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, शहर में हमारे 22 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 मेडिकल मोबाइल यूनिट के माध्यम से शहर के विभिन्न कोनों पे हम निःशुल्क कोरोना शिविर लगा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से उन लोगों की जांच करा रहे हैं जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में किसी भी रूप में आए हैं। दूसरा, कोमॉर्बिड एवं 50 साल से अधिक वाले व्यक्ति जिनमें किसी भी प्रकार का लक्षण होता है उसको भी जांच करा रहे हैं। इसके साथ साथ ही अन्य जो व्यक्ति जिसमें कोई लक्षण सर्दी खांसी जुकाम इस तरीके कोई आता है, सांस फूलने की समस्या आती है, तो ऐसे लोगों का भी हम जांच करवा रहे हैं। तो हमारे शहर में 22 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रत्येक पे एक संग्रह अमीन और एक राजस्व लेखपाल की नियुक्ति की गई है। उनका कार्य स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर और इस कार्य को त्वरित गति से निष्पादन करना है। इसकी डेली मॉनिटरिंग की जाती है, तहसीलदार न्यायिक सुनीता इसको मॉनिटरिंग करती हैं और पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम के साथ कोऑर्डिनेट करके इस कार्य को संपादित कर रही हैं। इसी का परिणाम है कि अगस्त माह की जितनी भी टेस्टिंग थी उसका लगभग 2.5 गुना टेस्टिंग हमने सितंबर माह में की है और अक्टूबर में भी हम उसको बढ़ा रहे हैं। तो हमारी टेस्टिंग लगभग 2.5 लाख से ऊपर हो चुकी है जनपद में और शहरी क्षेत्र में हमारी टेस्टिंग लगभग 80,000 के आसपास है, केवल सितंबर महीने की बात करते हैं। तो इसी की वजह है कि बहुत पॉजिटिविटी बहुत कम हो गई है और अधिक से अधिक टेस्ट कराकर ही संक्रमण की चेन को हम तोड़ रहे हैं। इसी के क्रम में आज भी कई जगहों पर शिविर लगाया गया और आज भी टेस्टिंग हमारी लगभग 3,000 के आसपास शहरी क्षेत्र में हुई है।